الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معز السامعين الكرام آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں حاضرین کرام رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آج آخری تاخرات ہے پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے منظر آئیں گے یا نہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا اور روزے رکھنے کی توفیق اور قرآن پاک سننے اور سنانے کی سعادت مزید برآں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا ایک ذریعہ بھی عطا فرمایا اب تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر امید کرتے ہیں کہ ہماری محنتیں ضائع نہیں کریں گے جس تڑپ کے ساتھ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے ہوں گے حاضرین کرام اسی سلسلے کی آج آخری کڑی ہے اب میں عنوان کی طرف آ رہا ہوں ہمارا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے یہ بڑا امن شانتی کا مذہب ہے
प्यार और मोहब्बत का मजहब है, हिम्मत और जवामर्दी का मजहब है। इस मजहब के उसूल, कवानीन, जाब्ते ऐसे हैं जो तमाम के अक्लों में समा सकते हैं। और ये जो मजहब फैला है प्यार से, मोहब्बत से, उल्फत से, कुव्वत से, अखलाक से, किरदार से फैला है, जुल्म से नहीं, जबरदस्ती से नहीं। क्योंकि इस्लाम ने क्या कहा, कुरान ने क्या कहा, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। मैं और आप जबरदस्ती करना तो दूर की बात, पैगंबर को भी जबरदस्ती करने का इख्तियार नहीं। आप जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब मौत के वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाकर कलमा पढ़ने पर जोर दिए, यहां तक कहा कि चचा मेरे कान में पढ़ दीजिए, इतनी आवाज, आहिस्ता आवाज से पढ़े आप कि आपका पढ़ना सिर्फ मैं सुन सकूं, आपके ईमान का अगर मैं सिर्फ गवाह बन गया तो फिर कयामत में भरे मैदान और महशर में मैं आपके ईमान की गवाही दूंगा। बोल रहे बोल रहे, इसरार बढ़ता गया, लेकिन अबू तालिब की जिंदगी में हिदायत और तौफीक नहीं थी। अल्लाह ताला ने कहा إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء। ऐ पैगंबर, आप जिसे चाहे उसे हिदायत दे नहीं सकते, हिदायत के मालिक आप नहीं है, हिदायत तो मेरे कब्जे कुदरत में, मैं जिसे चाहता हूं उसे हिदायत देता हूं, मेरी मर्जी अगर है तो फिर हम आपके दुश्मन को भी हिदायत दे देंगे, अगर मेरी मर्जी नहीं है तो आपके चचा को भी हिदायत से महरूम कर देंगे। जबरदस्ती का मतलब नहीं है, अमन, सुकून, इत्मीनान, चैन का मजहब है। लोग कहते हैं कि ये दीन तलवार से फैला, इल्जाम लगा रहे हो मजहब इस्लाम पर, तलवार तो जरूर उठाए, मकासद कुछ और थे, मजहब फैलाना मकसद नहीं था, वरना पैगंबर के तलवार के सामने मुकाबला करने वाला कौन था, सहाबा की तलवारों का जवाब देने वाला कौन था, उनके तलवार उठाने के मकासद कुछ और थे, लेकिन उन्होंने, जमाने ने उन पर इल्जाम लगाया और कहा कि मजहब तलवार से फैला है। हाँ, तलवार से मुसलमान का खास ताल्लुक है, तलवार को अपनी शान, अपनी आन, अपनी इज्जत, अपनी आबरू समझता है मुसलमान, किसी को मारने के लिए नहीं, दिफा करने के लिए, मारने वाले का जवाब देने के लिए तलवार को अपने साथ रखा करता था। अब हम इस जमाने के इल्जाम लगाने वाले उन गैरों से पूछना चाहते हैं, तलवार रखना अगर दहशतगर्दी की अलामत है तो फिर हमारे सिख भाई के पास तलवार है, क्या वो सब दहशतगर्द हो गए? एक एक मजहब का एक एक कानून होता है, एक शान होती है, एक आन होती है, इसी तरीके से मजहब इस्लाम में की शान, शान और आन तलवार थी, एक जमाने में रखते थे, आज नहीं। अब मैं बोले बोलकर सब भी तलवार ले लेने जाते हैं। अब तलाश करो नौजवान को, खंगालो उसके जेब, कंगन मिलेंगे,
मोबाइल मिलेगा, बीड़ी का कट्टा माचिस का डब्बा मिलेगा, शान पहचान जरूरत पर रखते थे दिफा करने के लिए। वरना यह मजहब तलवार के जरिए से न फैला है, न इस मजहब के बड़ों ने तलवार के जरिए से दीन और मजहब को फैलाया है। यह मजहब तो अमन से, सुकून से, अखलाक से, किरदार से फैला है। जो कोई आता मुसलमानों के अखलाक को देखकर खदमों में पड़ जाता कि हमें भी अपने मजहब में दाखिल करो। उनके शाम में सहाबी का दुकान, उस अनाज के दुकान में एक यहूदी गया अनाज लेने के लिए। मुसलमान साहब सहाबी ने कहा यही मटेरियल सामने की दुकान में मिलता है, वहां जाकर ले लो। यहूदी गया उस दुकान को जाकर लिया तो मालूम हुआ कि वो दुकान यहूदी का है, लेने वाला भी यहूदी, बेचने वाला भी यहूदी। तो लेने वाले ने कहा कितना खराब है वो मुसलमान, उसकी दुकान को मैं गया लेने के लिए, उन्हें मुझे नहीं दिया क्योंकि मैं यहूदी, इसलिए मुसलमान यहूदी को नहीं देते, मुझे तुम्हारी दुकान में भेज दिया। दुकान वाले यहूदी ने कहा कि उस मुसलमान भाई को बुरा ना कह, वो तो इतने अच्छे अखलाक वाला है, एक ग्राहक अगर आता है तो देता है, दूसरा ग्राहक मेरे पास भेजता है। एक बाजार में कपड़े के 10 दुकान है, एक बाजार में चावल के 10-15 दुकान है, एक बाजार में किसी और मटेरियल के 10-15 दुकान है। कोई मुसलमान एक ग्राहक को हमें दे और एक ग्राहक को सामने वाले के पास भेजे? है कोई मुसलमान पूरे बाजार में? अगर लेने वाला आकर लिया, पूछिया ये चीज है क्या, नहीं है, देने दुकान वाले को मालूम ये चीज सामने वाले के दुकान में मिलती, बोलकर उन्हें पूछता ये चीज कहां मिलती, कहते पूरे बाजार में कामिच मिलती नहीं। कहा मेरे से ज्यादा उन्हें कवा को तरक्की कर लेता है। मुसलमान बहुत अच्छा के एक ग्राहक को देता है, दूसरे ग्राहक को मेरी तरफ भेजता है। अच्छा, उतना अच्छा है, तुम्हारे दुकान को भी वो आबाद करता है। हाँ, तो फिर दीजिए मटेरियल, ले लिए। सीधे मुसलमान के दुकान को गया, कहने लगा चावल खरीदना था वहां खरीद लिया, ईमान खरीदने के लिए तेरे दुकान को आया। जो चीज वहां उसके पास खरीद लिया, जो चीज तेरे पास है उसे खरीदने के लिए आया हूं। ये अमन से पहला, सुकून से पहला, आस्ती से पहला, प्यार से पहला, मजहब से पहला, तलवार से नहीं पहला। उठाया मुसलमानों ने तलवार को जरूरत पर, जब फितना आम हो रहा था, आजादी मलियामेट हो रही थी, औरतों के सर पर हया पर हमले हो रहे थे, तो तब मुसलमान तलवार उठाया, अपनी ताकत और जवां मर्दी का पूरा इस्तेमाल किया। और यह मजहब जवां मर्दों से कभी खाली नहीं हुआ, यह मजहब शहीदों से कभी खाली नहीं हुआ। इस मजहब की घुट्टी के अंदर यह बात दाखिल कर दी जाती है कि जीने के लिए नहीं पैदा हुआ तो मरने के लिए पैदा हुआ है। और आज है अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा, नहीं बोलकर नहीं बोलता मैं, है इस जज्बे को सही इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल। इन्हीं जज्बावर इंसानों में से वक्तन फवक्तन कुछ लोग पैदा हुए, कभी अबू बकर पैदा हुए, कभी उमर पैदा हुए, कभी उस्मान पैदा हुए, कभी हैदर पैदा हुए, कभी हसनैन पैदा हुए, कभी कालिद बिन वलीद पैदा हुए, कभी अब्दुलरहमान पैदा हुए, कभी हजरत मुआविया पैदा हुए, कभी मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए। इन्हीं शहदा और बहादुरों और जवानों की फहरिस्त में एक तारीख मुझे और आपको रियासत कर्नाटक और मैसूर की मिलती है। इसमें से एक ऐसा दिलेर भी पैदा हुआ फतह मोहम्मद के पेट से, जिसे मोहम्मद हैदर अली कहा जाता है। तारीख तो बहुत लंबी है, टीपू सुल्तान सीरियल नहीं है, ये समझ में आई बात? सीरियल को भी हकीकत को जमीन आसमान का फर्क है मुसलमान। सीरियल में सच कम है, झूठ ज्यादा है। टीपू और हैदर अली की हकीकत में झूठ ही नहीं, सच ही सच है। सीरियल को सामने रखकर मोहम्मद मुजम्मिल की तकरीर को कंपेयर न कर। टीपू क्या, कहां से, खानदान कहां का, आबाओ अजदाद कहां के, आज कुछ बातें तारीखी तुम्हारे सामने पेश करूंगा।
तारीख दान तारीख निगारों ने लिखा है, टीपू कर्नाटक का बेटा नहीं। ये जमीन में ऐसे लोग कहां पैदा होंगे? इसके जवामर्दी में यकीनन कोई तारीख मिलती है, इसके खून के जोश और जज्बे में यकीनन सहाबा के खून की कुछ झलकियां नजर आती हैं। जाना पड़ेगा मुझे और आपको तहकीक करते हुए, तो पता चलेगा कि टीपू के आबाओ अजदाद उस खानदान से ताल्लुक रखते थे, खुदा की कसम जिस खानदान से मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का खानदान था। हादी साहब कुरैशी नस्ल थे हजरत टीपू सुल्तान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जिस खानदान से ताल्लुक रखते थे कुरैशी, उसी खानदान से टीपू का भी रिश्ता था। टीपू कर्नाटक का नहीं था, आए हिजरत करके कर्नाटक को, लेकिन उनके आबाओ अजदाद मक्की मुकर्रमा के थे। रोजी रोटी को तलाश करने के लिए हालात मक्के के जब साजगार नहीं थे, दावतों तबलीग और रोजी रोटी की तलाश में पहले ये खानदान ईरान को गया, ईरान से अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया। हमें क्या समझ गया, आंध्रा से आए बिल्कुल, सईद तो नहीं थे। सईद किसे कहते हैं? हजरत हसनैन की औलाद को सईद कहते हैं, लेकिन जो खून पैगंबर अलैहिस्सलाम का कुरैशी नस्ल का था, वही खून हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह का भी था। हुजूर से, अंबिया से, सहाबा से मोहब्बत करने वाला खानदान था टीपू के दादा। वैसे तो उससे पहले की भी तारीख है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उतना दूर तक जा नहीं सकता मैं, टाइम कम है ना। तो गए ताखरात को बिल भी ला गया दिया, कहां से घुसको कहां से निकलना समझ में नहीं आया। इसके वास्ते इस ताखरात अगर कहीं परेशानी हो गई तो, टीपू के दादा का नाम था फतेह मोहम्मद। क्या नाम था? हमारे दादा का नाम क्या? सब जने छोटू भी बोलते थे हजरत, ये मालूम अम्मा दादा पुकारते थे वो मानो। टीपू के दादा का नाम फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद को बेटों से बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि कल परसों ताकरात में मैंने कहा था ना, कुछ लोगों के मकासिद में, नीयतों में कुछ अच्छाइयां होती थी। बेटों की नीयत वो लोग जो करते थे, उनके मकसद बेटों की तिजारत करना नहीं था, बल्कि बेटों के जरिए से अपनी आखिरत को बनाना था। फतेह मोहम्मद को बेटे तो बहुत हुए, लेकिन किसी बेटे के चेहरे में फतेह मोहम्मद ने वो झलक नहीं देखी। इसलिए फतेह मोहम्मद ने हैदर अली शाह दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, जाकर अर्ज करने लगे कि हजरत आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे एक पाबंद साले और जवान मर्द, मुत्तकी परहेजगार और दिलेर बेटा अता करे। तो हजरत हैदर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ करते हो तो हजरत हैदर अली पैदा होते। हैदर अली जब पैदा हुए तो बड़े दिलेर खूबसूरत, याद रखो कि ना आज हैदर अली की सही तस्वीर है, ना टीपू सुल्तान की सही तस्वीर है, सोचकर बना दिए। सो उतनी कोई तारीख हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह की तफसील से नहीं मिलती, लेकिन इतनी तो जरूर मिलती है कि बड़े खलीक, बड़े तहजीब वाले, बड़े नजाकत परस्त और बड़े दिलेर थे। कड़पा के गवर्नर बनाए गए और हैदर अली का निकाह जो हुआ कड़पा के गवर्नर मोइनुद्दीन की बेटी फातिमा के साथ हुआ। गौर से सुनना, फतेह मोहम्मद का जो बेटा पैदा हुआ उस बेटे का नाम फतेह मोहम्मद ने हैदर अली रखा। और हैदर अली किसका नाम? असल में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम। उनका निकाह जो हुआ कड़पा के गवर्नर
मोइनुद्दीन की बेटी मुत्तकी परहेजगार हजरत फातिमा के साथ हुआ। रिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला जोड़ते हैं, तो नामों के साथ कैसे जोड़ते हैं देखिए। एक का नाम अली है, एक का नाम फातिमा है। अली किसका नाम? हुजूर के दामाद का नाम। फातिमा किसका नाम? हुजूर की बेटी का नाम। अली की बीवी फातिमा होती है, फातिमा का शौहर अली होता है। इन दोनों के मिलाप से जब भी जो बच्चा पैदा होता है वो वक्त का हुसैन होता है। यकीनन जिस दौर में हमारे हजरत हैदरी थे, उनकी बीवी जो फातिमा थी, उनके पेट से भी जो बच्चा पैदा टीपू हुआ था वो भी अपने वक्त का हुसैन था। जैसे बाप फतेह मोहम्मद ने वली कामिल के पास जाकर एक नेक साले बेटे की दुआ कराई, इसी तरीके से हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी बीवी को साथ लेकर आरकाट के एक बहुत बड़े वली कामिल हजरत टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के मजार में हाजिरी देकर दुआ की दरखास्त की। और दिल ही दिल में हजरत फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा ने यह नियत कर ली कि अगर मुझे बेटा पैदा होगा तो मैं इस बेटे का नाम इस वली के नाम के साथ रखूंगी। आज भी मेरे दोस्तों आरकाट में उस वली कामिल की मजार है जहां हैदर अली और हजरत फातिमा ने हाजिरी देकर बेटे की दुआ कराई थी। तो वहां अल्लाह तबारक व तआला ने उस हजरत कामिल की दुआ को कबूल किया तो फातिमा को एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखने का जब वक्त आया, हैदर अली कहने लगे इस बच्चे का नाम मैं अपने अब्बा के साथ रखूंगा। फातिमा कहने लगी मैं इस बच्चे का नाम वली कामिल टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखूंगी। अब मियां बीवी में जब तकरार होती है, मुसालहत की तो कोई शक्ल पैदा हो जाए, तो हजरत हैदर अली ने कहा क्यों अलग अलग नाम को डिवाइड कर ले, तेरा मेरा नाम मिलाकर पूरा रख दे। तो बात मंजूर तक पहुंच गई। तो पूरा नाम हजरत टीपू सुल्तान का क्या था? फतह मोहम्मद टीपू सुल्तान। थमड़ गया, इन्हें भी हारना नहीं चाह रही, उन्हें भी हारना नहीं चाह रही, नाम रखने में जब टकरार हुई। चलो टीपू सुल्तान नाम मां ने रखा, फतेह मोहम्मद नाम बाप ने रखा। कहां पैदा हुए हजरत टीपू सुल्तान? बिल्कुल यहां से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर जिसे देवन हल्ली कहा जाता है, वहां हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। उस जमाने में, जिस जमाने में टीपू पैदा हुए, उस जमाने में देवन हल्ली का नाम यूसुफाबाद था, क्योंकि वो मोगाव बड़ा खूबसूरत था। क्या तारीख को पैदा हुए? 20 जिलहिज्जा 1107 पर 3 हिजरी, 10 नवंबर 1750 ईस्वी, हफ्ते का दिन, सुबह सादिक के वक्त, कर्नाटक की नात और नाज, नौजवानों की दिलों का धड़कन, अंग्रेजों की पसीने की धार, उनके खौफ का नतीजा, टीपू सुल्तान देवन हल्ली के घर पैदा होते हैं। क्या की नारे को होलसेल में ले ली आज। मैं इतनी मुत्तकी परहेजगार, बाप इतना मुत्तकी परहेजगार, बचपन ही से हजरत टीपू सुल्तान की तालीम और तरबियत देखभाल में मां बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मां चाहती थी कहीं मेरे आंचल का दाग मेरे बच्चे पर न पड़े, बाप चाहता था कहीं मेरे गुनाहों की सजा मेरा बच्चा न भुगते। इधर बाप भी कंट्रोल में, इधर मां भी कंट्रोल में। हैदर अली असल में अनपढ़ थे, पढ़ने लिखने का रास्ता हजरत हैदर अली को नहीं मिला। गवर्नर की बेटी, मोइनुद्दीन की बेटी फातिमा तालीम याफ्ता थी, इसलिए जब हजरत टीपू सुल्तान शहीद की विलादत हुई, खासा इंतजाम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत पर हुई। 15 साल की उम्र गुजरी गई, टीपू सुल्तान कुरान भी पढ़ लिए, आलिम भी बन गए, फारसी भी सीख गए,
कन्नड़ भी सीख गए, फ्रांसी जुबान भी सीख गए, तारीख में लिखा है कि अंग्रेजी जुबान के भी माहिर बन गए। वक्त का बादशाह 15 साल की उम्र में तालीम के मैदान में आरास्ता होकर जब बाहर निकला तो हजरत हैदर अली ने टीपू के चेहरे पर वो जवामर्दी देखी जो फतह मोहम्मद ने हैदर अली के चेहरे पर जवामर्दी देखी। 15 साल की उम्र में हजरत हैदर अली ने एक फौज का कमांडर बनाकर मलेबार से जंग लड़ने के लिए भेजता है तो फतेह मोहम्मद टीपू सुल्तान सईद 15 साल की उम्र में मलेबार की जंग से कामयाब होकर वापिस लौटते हैं। 15 साल की उम्र, जंग का कमांडर, उस जमाने में सामने सामने लड़ना था, ऐसा नहीं अमेरिका तरह बुजदिला में फिटिंग नहीं होती थी, फ्लेट में आओ बम डालो भाग जाओ, मिसाइल उड़ाओ गरीबों पर डालो भाग जाओ, जवान मर्दों की लड़ जवान अंग्रेजों के साथ होती थी, मर्दों की लड़ाई मर्दों से होती थी, कोई मर्द औरत से लड़ता नहीं था, कोई जवान मर्द बूढ़े से नहीं लड़ता था। उस जमाने में जंग के बहुत रूल्स और रेगुलेशन कानून और जाब्ते हैं, आज कोई कोई जाब्ता नहीं है। आज कमजोरों को मारकर दूसरे लोग बहादुर बनने की कोशिश करते हैं, नहीं, सामने घोड़े घोड़े से जंग होती थी, तलवार तलवार से जंग होती थी, मैदान कारजार होता था, सुबह को शुरू होती थी और मगरिब के वक्त में खत्म हो जाती थी। 15 साल की उम्र, इस वक्त अगर इस महफिल में कोई 15 साल का बच्चा है तो उसे जरा गौर से देखो, क्या हमारा बच्चा कोई फौजी जनरल बनने की काबिलियत रखता है, क्या एक कौम को संभालने की उसके पास कैपेसिटी है, क्या हमारा 15 साल का बच्चे के अंदर वो सलाहियत वो जवामर्दी है? अफसोस नहीं है, यह बच्चे का कसूर नहीं, इसकी तालीम और तरबियत करने वाले मां बाप का कसूर है। आज 15 साल के बच्चे है ना, कैसी गालियां देते हैं जरा देखो, 15 साल के उम्र ही में उसे रोबदार बनने की ख्वाहिश है, 15 साल की उम्र में सुलूशन सुनता है वो, 15 साल की उम्र में गांजा मारता है वो, 15 साल की उम्र में फिटपाकिटर बन गया वो। खुसूर बच्चों का नहीं, खुसूर मां बाप का होता है। हैदर अली ने तरबियत पर कोई कसर नहीं छोड़ी, क्यों? हैदर अली को मालूम था एक वक्त वो आएगा इस पूरी रियासत और हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को संभालने की कैपेसिटी सिर्फ इस बच्चे के अंदर है, अगर जरा भी मेरी लाड़ बढ़ जाए तो ये बच्चा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। कर्नाटक और रियासत कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र और हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुसलमानों का यह जिम्मेदार बनने वाला है। कड़ी नजर रखी थी बच्चे पर, इसी नजर का सदका था कि 15 साल की उम्र में वो टीपू अपने वक्त का एक काबिल और जवान मर्द नौजवान बना। ऐसे ही जंगों में जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, रिवायात मुख्तलिफ हो गए। 19 साल की उम्र, एक रिवायत में आता है कि 22 साल की उम्र में हैदर अली को ख्वाहिश आई कि मैं मेरे बेटे का निकाह करूं। निकाह के मौके पर बड़ी तकरार थी हैदर अली और फतह मोहम्मद, हैदर अली और हजरत फातिमा के दरमियान। फातिमा चाहती थी अपने मस्जिद के इमाम शेख बुरहानुद्दीन की बहन के साथ निकाह हो जाए, हैदर अली चाहते थे बख्शी साहब की नवाइती खानदान की लड़की सुल्ताना बेगम से निकाह हो जाए। तारीख दान में लिखा है कई दिन तक ये तकरार चलती रही, आखिर इस बात पर फैसला हुआ चलो तुम्हारी ख्वाहिश से उस लड़की के साथ, हमारी ख्वाहिश से इस लड़की के साथ निकाह हो जाए। हुस्न इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक ही दिन में एक घंटा आगे पीछे दोनों लड़कियों से हजरत टीपू सुल्तान का निकाह हो गया। हमारे नौजवान से हमारा अम्मा बाबा ऐसा लड़े तो अच्छा रंगा ना। हमारे अम्मा बाबा भी ऐसा लड़े तो अच्छा रहेगा ना, समझ में आई बात? एक घंटा पहले इमाम बख्शी की बेटी सुल्ताना बेगम से निकाह हुआ, एक घंटा बाद शेख बुरहानुद्दीन साहब की बहन के साथ निकाह हुआ। इस्लाम में जायज है ना, दो दो से शादी कर सकते हैं, तीन तीन से शादी कर सकते हैं, चार चार से शादी कर सकते हैं, पांच पांच से भी कर सकते, खुश तुम्हें हजरत अच्छे, तुम्हें खुश बाहर गया तो भाभी छोड़ेंगे, मेरे बहाया कि टीपू ने कभी अपने हाथ और पैरों के और चेहरे के अलावा
कभी कोई जिस्म का हिस्सा गैर औरतों के सामने तो दूर की बात, अपने महल में भी वजीरों के सामने खुला नहीं रखा। बड़ी शर्म थी हजरत टीपू सुल्तान सईद रहमतुल्लाह अलैह को, अपनी बीवियों के अलावा किसी और औरत से टीपू बादशाह बनने के बावजूद भी किसी औरत से काम नहीं लाया। उस जमाने में बादशाहों का हाल क्या था, लौंडियों को खिदमत के लिए रखा करते थे, पैर दबाओ, सर दबाओ, हाथ दबाओ, फिर उनसे नाजायज ताल्लुकात थे। टीपू ने नाजायज ताल्लुकात की इस जमीन के अंदर बड़ी सख्त सजाएं लगाई थी, कोई गुजर सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब भी किसी से जिना का गुनाह साबित हो जाता, टीपू फौरन उसे फांसी दे देते, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। उस जमाने में हिंदू औरतें बेहया बनकर बाहर निकलती थी, टीपू ने कानून लगा दिया, हिंदू औरत भी सिवाय चेहरे के और कोई चीज खुला नहीं रख सकती थी। टीपू के इस कानून पर रियासत मैसूर की हिंदू औरतें भी बाकायदा पर्दे के साथ बाहर निकला करती थी। एक मुसलमान की जब हुकूमत गई तो उसके साए हुकूमत में हिंदू औरतों को शर्म मिला, लेकिन अफसोस कि आज गैरों की हुकूमत है, मुसलमानों को भी शर्म और हया नहीं है। बाद बाहया बाद शर्म, कभी उसने किसी गैर औरत पर नजर नहीं डाली। आज के कुछ फिरका पर कहते हैं ना, टीपू मुसलमानों के साथ एक सलूक किया, गैरों के साथ एक सलूक किया, टीपू से ज्यादा सेकुलर बादशाह तो कर्नाटक की तारीख में कोई नहीं गुजरा। ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले, ये शिव परिषद वाले, फिर ये कर्नाटक की हुकूमत टीपू की साफ तारीख को बदनाम करने के लिए वक्तन फवक्तन इल्जाम लगाते हैं। टीपू से बेहतर सेकुलर बादशाह तो कोई नहीं गुजरा है। टीपू जहां मस्जिदों को चंदा दिया करता था, दरगाहों को चंदा दिया करता था, तारीख रोशन है, वही टीपू मंदिरों को भी चंदा दिया करता था, क्योंकि बादशाह है ना, सबको लेकर चलना था उसे। बहुत सारे मंदिरों को जमीनें दी, कालीकट की मंदिर को 190 पर 5 एकड़ जमीन वक्फ किया, 190 पर 5 एकड़ जमीन कालीकट की जमीन कालीकट की मंदिर को वक्फ किया। पूनानी की मंदिर को 504 एकड़ जमीन वक्फ किया। सेलम की मंदिर को 70 पर 3 एकड़ जमीन वक्फ किया। नमोदरी की मंदिर को 130 पर 5 एकड़ जमीन वक्फ किया। सालाना 19 करोड़ रुपए की तनख्वाह पुजारियों को टीपू की हुकूमत से जाती थी। मुसलमानों की फौज गैर मुस्लिमों के एक शहर में दाखिल होकर मंदिर को तोड़ दिया। टीपू को बात पहुंची, टीपू फौरन स्वामियों से माफी तलब की। माफी मांगते हुए फिर से उस मंदिर को बनाने के लिए कई लाख रुपए खर्च किए और अपने मुसलमान वजीरों से कहा कि खबरदार किसी मंदिर को हाथ नहीं लगाना, इससे सामी का दिल टूटेगा तो तुम्हारा मुकद्दर ताराज हो जाएगा। सेकुलरिज्म देखो कैसा था। आज कहते हैं लोग कि टीपू मुतासिब, टीपू फिरका परस्त। टीपू फिरका परस्त नहीं था, टीपू सबको चाहने वाला। ईसाइयों को जाता था पैसा टीपू की हुकूमत से, सामियों को जाता था टीपू की हुकूमत से पैसे, मंदिरों को जाते थे टीपू की हुकूमत से पैसे। अपने मजहब का बड़ा पक्का पाबंद था। सल्तनत खुदादाद टीपू की सीरत की सबसे बेहतरीन किताब, सीरत टीपू सुल्तान हजरत मौलाना इलियास साहब की एक बेहतरीन किताब, उसके अंदर लिखा है कि टीपू अपनी जिंदगी में कभी शिर्क को पसंद नहीं किया, बिदात का खात्मा किया। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मेहदियों से बड़ी सख्त नफरत थी, क्योंकि मेहदियों का अकीदा क्या था, हजरत इमाम मेहदी पैदा होकर चले गए। टीपू पक्का अहले सुन्नत वल जमात से अकीदत रखता था, अकीदा था, और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या, अभी हजरत इमाम मेहदी नहीं आए, इसलिए मेहदीवियों को अपने करीब भी लाना पसंद नहीं करता था। टीपू सुल्तान नमाज के बड़े पाबंद थे, रोजाना एक घंटा कुरान पाक की तिलावत टीपू का मामूल था, और हमेशा बावजू रहते थे, सर पर लाल कलर का इमामा था,
उन्होंने कहा कि लाल इमामा नबी की सुन्नत नहीं है। उसके पास से पूरी जिंदगी हजरत टीपू ने हरे कलर का इमामा बांधा। और हजरत मौलाना हुसैन अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए देवबंद कौन और क्या के अंदर लिखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी में कभी अपने चेहरे पर वस्त्रा नहीं लगाया। नमाज की पाबंदी, रोजाना कुरान की तिलावत, हमेशा बावजू, सर पे इमामा और दाढ़ी थी। जिस वक्त की तस्वीर को नकल किया गया वो 16-17 साल की जवान मर्दी की तस्वीर थी, और उस उम्र में तो दाढ़ी बराबर निकल कर नहीं आती। इतना वक्त का नमाजी, इतना बावजू रहने वाला, कुरान का आशिक, कुरान का खारी, क्या अपने चेहरे पर वस्त्रा लगाएगा? नहीं। वक्त का मुकम्मल, हजरत हुसैन अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने टीपू के मजार पर मुराकबा किया, खबर में मैंने टीपू को जिस हालत में देखा उस हालत में टीपू के चेहरे पर दाढ़ी थी। इतना बड़ा वली कामिल नबी की सुन्नत को कैसे मिटा सकता है? वक्त का बड़ा जवाबर, एक मरतबा शिकार के लिए गए हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अचानक चीता आकर हमला कर दिया, पूरे दोस्त सब भाग गए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हिम्मत के साथ मुकाबला किए। ये जो फोटो है देखो, ऐसा फाड़ ले को खड़े ही सो बंडल फोटो, क्या भाई ये इतने इत्मीनान से फाड़ ले को खड़े ही। तारीख ने लिखा है कि पैर किए, सामने से पैर किए, तलवार से हमला किए। उन्हें आंखों हमला कर तो ऊपर का हाथ, ऊपर का हाथ, नीचे का, ऐसा पकड़ लेकर फोटो नहीं, पूरी बंडल फोटो, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं उसका। लेकिन मुकाबला तो किए, जिससे मुकाबला किए वो चीते से मुकाबला था। खबर पहुंची हैदर अली को कि तुम्हारे बेटे ने चीते को मार दिया। हैदर अली चीते गए, फातिमा से कहा, बेगम तुम्हारे बेटे ने आज जंगल के अंदर वो बहादुरी दिखाई जिसकी वजह से मेरी शान बढ़ गई। क्या हुआ सरताज? हजर अली ने कहा कि बेगम तुम्हारे बेटे ने आज चीते के साथ मुकाबला करके चीते को पछाड़ दिया। सुनना था हजरत फातिमा रोने लगी। फातिमा रोते हजरत हैदर अली डर गए, शोहर ना जोरू की सूरत उतरी तो मरद बना ठंडा रहता, क्या हुआ, किधर हुआ, पूछता नहीं। अम्मा रोई तो कई कुमार होती पूछते नहीं, भान रोई कई कुमार होती पूछते नहीं, लेकिन जोरू की सूरत इतनी उतर गई कि आजी हुआ कि क्या हुआ, पेट में दर्द, सर में दर्द, दवा लाऊ, क्या पिलाऊ लोगों तुम्हें, अल्लाह तो अल्लाह ताला हमारे बाबा तुम्हारे साथ करको रखे नहीं, मैंने सुक्की बॉडी में ढकल अल्लाह था। अयो यो क्या आजी हुआ, क्या तुम्हारा अम्मा ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, बरस गया। हजर अली ने पूछा, बेगम इतनी अच्छी खुशखबरी दे रहा हूं कि तुम्हारा बेटा चीते को फाड़ दिया और तुम रो रही हो, तो बेगम फातिमा ने कहा कि सरताज ये जो आंसू है ना, गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू है, क्यों क्या हुआ? सरताज आज एक राज तुम्हारे सामने पेश कर रही हूं, क्या कि खुदा की कसम मैंने टीपू को कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया, जिसके सदके में आज टीपू की ताकत इतनी मजबूत हो गई। एक रिवायत में आता है, मैंने टीपू को बगैर नमाज के कभी दूध नहीं पिलाया। है कोई मां आज ऐसी जो अपने बच्चे को वजू कर कर दूध पिलाए, अपने बेटे को नमाज पढ़कर दूध पिलाए? आज तो मैं कई मरतबा कह चुका, कम से कम सर में पल्लू डाल के दूध पिला देती तो फिर यह बच्चा अपनी जिंदगी में कभी टोपी के बगैर बाहर नहीं निकलता। आज हमारे नौजवानों के सरों से टोपियां क्यों गायब? इसलिए कि जब यह दूध पिया था ना, इसके अम्मा के सर में पल्लू नहीं था। आज इस बच्चे के चेहरे से दाढ़ी क्यों हुई? इसलिए कि इसके बाप के चेहरे का असर पड़ा है, मां बाप का असर बच्चों पर पड़ता है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर मां बाप का असर पड़ा। ताकत आई बाप से, तकवा आया मां से, वो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा। दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैसूर, रियासत मैसूर के बादशाह जब बने, उलमा की इतनी कदर करते थे कि जब बादशाह का ताज सर पर पहनाने का वक्त आया, उलमा को बुलाकर सबसे बड़े आलिम के हाथ से अपने सर पर पगड़ी रखी,
और एक दिन दो दिन नहीं बल्कि 17 साल इस सरजमीन पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत की। जवाबर्दी का चर्चा सारे आलम में फैल गया, मशरिक से लेकर मगरिब तक। वो अंग्रेज दो धोखेबाजी चालबाजी पर मशहूर, उनके दिलों के अंदर खौफ बिठाने वाला टीपू सुल्तान शहीद था। नेपोलियन ने लिखा है, हमारे अंदर तो दूर की बात, हमारे बच्चों के दिल के अंदर भी टीपू का इतना खौफ था कि जब बच्चा रात को सोने के लिए तकरार करता तो मां अपने बच्चे से कहती कि बेटे सो जा वरना टीपू आ जाएगा। बच्चों के दिलों के अंदर टीपू का डर बैठ गया था। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेरों से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए उलमा ने लिखा है, तारीख दानों ने लिखा है, टीपू अपने महल के अंदर बहुत सारे शेरों को, चीतों को, बाघों को पाला करता था। और अपने महल के अंदर बाघ के पट्टे की कलर और पेंटिंग किया था, इसीलिए आज भी वहां वो रंग मिलेंगे। बाघ और शेर पालने का बड़ा शौक था क्योंकि जवामर्द था, जवामर्दों से बड़ी मोहब्बत थी। आज मुसलमान आप पाले तो कुत्ते पालते नहीं, कुत्ता बहादुर जानवर नहीं है, समझ में आई बात, कुत्ता बहादुर जानवर नहीं है, शेर बहादुर जानवर है। टीपू सुल्तान को शेरों से बड़ी मोहब्बत थी, बाघों से, चीतों से बड़ी मोहब्बत थी और उनका कलर इस्तेमाल किया करते थे। कभी कभार एक शाल ओढ़ते थे, उस शाल का कलर भी वैसे ही रहता था। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर से और सहाबा से बड़ी मोहब्बत थी, बतौर खास हजरत अली से बड़ी मोहब्बत थी। और हजरत अली के नाम को तो अपने अंगूठी में भी नकल किया था हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ने। और हजरत टीपू सुल्तान की अंगूठी के मोहरे पर असदुल्लाह गालिब लिखा हुआ था। अहले बैत से बड़ी मोहब्बत, हजरत टीपू सुल्तान के 17 साल हुकूमत का दौर गुजरा, एक ना एक दिन मरना था, शहादत का जाम पीना था। यकीनन मेरे दोस्तों, किसी शायर ने बिल्कुल सच कहा, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को कब्जा करने की नीयत से हिंदुस्तान में कदम जमाए तो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा कांटा जो था वो टीपू ही था। 3 जंगों में अंग्रेज शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, चाल चल न सके। अंग्रेजों के हथियार टीपू के सामने कामयाब नहीं हुए। आखिर अंग्रेजों ने एक तदबीर इख्तियार की, क्या ही अच्छा होगा कि टीपू के वजीरों को खरीद लिया जाए। सबसे पहले टीपू ने पूर्णिया को खरीदा, अंग्रेजों ने पूर्णिया को खरीदा, सबसे बड़ा गद्दार निकला पूर्णिया, जिससे हजरत टीपू को नुकसान हुआ। गैरों में पूर्णिया था, अपनों में मीर सादिक था, मीर सादिक अपनों में निकला, गैरों में पूर्णिया निकला। अंदरूनी माहौल में एक टीपू ने एक नौजवान को बड़ी मोहब्बत से पाला था, कलमा भी पढ़ाया था, उसका नाम रखा राजा खान, उसे भी खरीद लिया। अभी अंदर अंदर टीपू के खिलाफ साजिश करने लगे। अंग्रेजों ने इस तरीके से टीपू को खत्म करने का पूरा प्लान बनाया। एक दिन अल्लाह के, एक दिन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह रात के वजाइफ से मुकम्मल पाक होकर, पूरे होकर रात को सोते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब होती है। कितना मकबूल बादशाह हुआ होगा कि जिसके ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जियारत हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीपू से कहा कि टीपू कल रात का खाना हमारे साथ खाना। सीरत टीपू सुल्तान में लिखा हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि टीपू शहादत तुम्हारी इंतजार कर रही है। टीपू बहुत खुश हुए, ख्वाब देखकर घबरा कर नहीं उठे,
एक तो नबी का ख्वाब था। टीपू को बड़ी ख्वाहिश थी कि नबी के रोजे पर हाजिरी दे, अल्लाह के दरबार पर हाजिरी थे, लेकिन हिंदुस्तान के मसाइल कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से हमें तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह और ज़ियारत रसूलुल्लाह की हाजिरी नहीं कर सके, लेकिन सालाना कई उलमा को और गरीबों को हज के लिए और मदीने के लिए भेजते थे, नबी को सलाम बोलकर भेजते थे। यही सलामों का सदका था कि एक दिन अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीपू के ख्वाब में तशरीफ लाया। खैर, जब सुबह का वक्त हुआ तो टीपू के दिल के अंदर शहादत का शौक, एक अजीब किस्म की बेचैनी थी। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हज़्ब मामूल सुबह की नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करके पूरे मुल्की निजाम का जायजा लेकर अपनी मसरूफियात से फारिग होकर, बाज रिवायतों में आता है कि टीपू उस दिन रोजा था जिस दिन शहीद हुआ, बाज रिवायतों में आता है कि टीपू उस दिन रोजा नहीं थे। बहरहाल दोपहर का खाना खा रहे थे, अचानक खबर पहुंची कि टीपू के एक बावफा दोस्त सैयद अब्दुल गफ्फार को अंग्रेजों ने शहीद कर दिया। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उठे, खाना खा रहे थे, हाथ तक नहीं धोया, अपना खास घोड़ा था जिसका नाम ताउस, उस घोड़े पर बैठकर टीपू सुल्तान फौरन बाहर निकलते हैं पूरे इमामे के साथ, तलवार के साथ। न बीवी को पूछा, न बच्चों को पूछा, ख्वाब देखे हुए थे, बशारत थी, कुछ हल्का सा यकीन ले आ चुका था कि अब ये जो रास्ता मुझे जाने वाला मिल रहा है, वापस आने के लिए मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। चाहते तो बीवी से भी इजाजत ले सकते थे ना, बच्चों को भी देख लेते थे ना। खैर, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पे भरोसा करके ताउस नामी घोड़े पर बैठ कर जाते हैं। रास्ते में मीर सादिक मिला, कशफ व करामत से हजरत टीपू सुल्तान पहचान लिए कि इसकी गद्दारी यहां तक लेकर आई है। कहने लगे कि मीर सादिक, ये ना समझो कि हम तुम्हारी हरकत से नावाकिफ हैं, हमको मालूम हो चुका है कि तुम क्या है। याद रखेगा जमाना, तुम्हारी औलाद दाने दाने को तरसेगी, क्योंकि तुमने टीपू का सौदा नहीं किया, इस धरती के मुसलमानों की इज्जत आबरू का सौदा किया है। मुनाफिक बन गए तुम। शर्म की वजह से मीर सादिक ने अपना सर नीचे कर लिए, क्योंकि हकीकत खुल गई थी ना। तारीख ने लिखा टीपू ने एक फेरिस बनाई मुनाफिकों की, और यह हुक्म दिया था कि कल अगर मैं जिंदा रहूं तो इन तमाम को फांसी देकर मौत की घाट उतार दूंगा, लेकिन टीपू के मुकद्दर में कल का दिन नहीं था। आगे बढ़े, लड़ना शुरू किया, देखा कि अंदर फौज दाखिल हो चुकी है। अंदर जब आने लगे तो मीर सादिक ने अंदर का दरवाजा बंद कर दिया। बिका हुआ था ना, कुछ ईमान फरोश ऐसे पैदा हो जाते हैं जो खुद का क्या सौदा करते हैं, कौम मिल्लत का भी सौदा कर देते हैं, इज्जत आबरू का भी सौदा कर देते हैं। उनकी निगाहों के सामने सिर्फ दौलत दौलत दौलत, इसके अलावा और कोई चीज उनके पास नहीं रहती, उनके सामने नहीं रहती। लालच हिर्स उनको अंदर बना देती है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंदर आना चाहते थे, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया, तो टीपू सुल्तान बाहर के बाहर लड़ते रहे। एक दूसरे दरवाजे से अंदर जाना चाहते थे तो वो दरवाजा भी बंद कर दिया गया। टीपू मरता क्या ना करता का मिसाल बन गए। टीपू सुल्तान तन्हा अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। श्रीरंगपटन की जमीन आज भी गवाह है, आसमान आज भी गवाह है। फौजी का साथ देने लगे, टीपू की तन्हाई को देखकर पूरा श्रीरंगपटन अपने हाथ में था, जो था वो लेकर मैदान में उतर गया। तारीख ने लिखा है टीपू के एहसान का हाल ये था कि टीपू का साथ देने के लिए श्रीरंगपटन की गैर मुस्लिम औरतों ने भी मैदान में कूद दिया, गैर मुस्लिम औरतें भी उतर गई।
टीपू बार बार औरतों से कहने लगा, तुम जाओ, मुझे मुल्क से ज्यादा तुम्हारी इज्जत की फिक्र है, मैं अपने निगाहों के सामने तुम्हारे आंचल को चिरकता हुआ देख नहीं सकता। लेकिन वो माए, वो औरतें कहां टीपू के एहसान को बुला सकती थी। मैदान में उतर कर लड़ती गई, मैदान में उतर कर लड़ते गए, बिला तफरीक मजहब सबके सब टीपू के साथ उतरे। तारीख ने लिखा है कि उस एक जोहर से लेकर असर तक 12,000 लाशें सिरन पदन पर पड़ गई। टीपू सुल्तान इतनी जवाबर्दी से लड़ते रहे लड़ते रहे। आज इन कमीनों ने टीपू की तारीख को भुला दिया, टीपू की शहादत को भुला दिया। एक मसला टीपू की इज्जत का आता है तो सब वो महीने गुजर जाते हैं उसे पास करने के लिए। टीपू के एहसान के सदके में आज भी ये रियासत दबा हुआ है। ये भूल गए लोग टीपू तनहा लड़ते गए। जब टीपू की तलवार के सामने अंग्रेजों की चाल चल न सकी तो एक अंग्रेज ने टीपू के ताऊस नामी घोड़े पर छूट किया तो टीपू घोड़े से नीचे उतर गया। जिसे अल्लाह पर भरोसा होता है उसे घोड़ों पर भरोसा नहीं होता। घोड़े से नीचे उतरकर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह लड़ते गए लड़ते गए। कब तक लड़ते रहेगा ये मर्द मुजाहिद? खाने के चार लकमे भी खाया नहीं, मैदान में उतर गया। लड़ते लड़ते प्यास लगी। राजा खान साथ था, उसके हाथ में पानी का मशकीजा था, वो भी बिक चुका था। टीपू कहने लगे, राजा खान एक गिलास पानी पिलाओ। राजा खान मुंह फेर लिया। बगैर प्यास पानी के टीपू लड़ता गया, क्योंकि अल्लाह को पसंद था। टीपू दुनिया का पानी न पियो, हम तुमको शहादत का जाम पिलाने वाले हैं। अगर तुम पानी पी लोगे टीपू, मैदान करबला के हुसैन में और तुम में फर्क आ जाएगा। एक वो नबी का नवासा उस वक्त मैदान करबला में उतर कर पानी को तरसता हुआ जान दिया। एक तुम भी हैदर अली के और फातिमा के बेटे हुसैन हो, तुमको भी पानी से तड़प कर ही जान देना पड़ेगा। लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, यहां तक कि सूरज गुरूब हो रहा था। तो सूरज गुरूब होने के करीब में बेबसी का प्यास का आलम बिल्कुल वकाहत तारी हो गई। टीपू के सामने शहादत भी थी, हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल भी था। अगर वो अपनी कमजोरी के साए में आ जाता तो मुसलमानों के मुस्तकबिल सामने आता, फिर उठकर खड़ता। किसी ने एक गोली चलाई जो टीपू के इस बाजू लगी, तो यहां जख्मी हुआ हाथ, तो टीपू बाएं हाथ से लड़ने लगा। बाएं हाथ से भी गोली लगी, फिर भी जख्मों को बर्दाश्त करते हुए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह लड़ते रहे लड़ते रहे। मगरिब का वक्त हो रहा था, अंग्रेजों ने देखा ये कैसा इंसान है जिसके सामने गोलियां असर नहीं कर रही है। आखिर एक बदबख्त ने टीपू के सीने पे गोली चलाई। ये टीपू की ताकत का आखिरी वक्त था, तलवार क्या छोटी, टीपू भी जमीन में गिर गया। सीना ही बिल्कुल अहम जगह होती है। टीपू के सीने पर जब गोली लगती है तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तलवार छोड़कर पड़ ही जाते हैं। अब मौत और हयात के दरमियान कुछ लम्हे बाकी थे। एक अंग्रेज दुश्मन आया, टीपू के कमर पर जो हीरों की पट्टी बनी हुई थी उसे निकालना चाहा। टीपू फौरन तलवार उठाते और कहते हैं, इस पाक जिस्म पर मौत से पहले कोई नापाक हाथ लगा नहीं सकता। वार ऐसे करते हैं, हीरों की लालच में वो मौत के घाट उतरता है। फिर चंद लम्हों के बाद आखिर कलमा पढ़ते हुए टीपू सुल्तान शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। कई घंटे तक टीपू का जिस्म गर्म था। जो भी आते टीपू की खुली हुई आंखों को देखकर डर कर भाग जाते। जब रात का कई हिस्सा गुजर गया तो खादी में खास राजा खान ने जाकर अंग्रेजों को कहा कि टीपू यकीनन शहीद हो गया है। अंग्रेज खुश होकर आए, टीपू के सराहने खड़े और टीपू को देखा,
कई घंटे गुजरने के बाद भी टीपू का जिस्म गर्म है। जब नब्ज पकड़ कर देखे, नब्ज रुकी हुई थी, तो अंग्रेज खुश होकर नारा लगाकर कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। जब तक टीपू जिंदा थे, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की दाल नहीं गली। टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों ने कहा, आज हिंदुस्तान हमारा है। पूरी रात गुजरी, पूरी रियासत मैसूर के अंदर वावेला मच गया। मुसलमान तो मुसलमान, औरतें गैर मुस्लिम औरतें भी सीना मारते हुए आ गए। टीपू की लाश गुसलखाने को ले गई, वहां से जनाजा उठा। जहर के वक्त तक जनाजा पूरी शहराओं में गश्त करता रहा। तपती हुई धूप, पसीने का आलम, आंखों की आंसू, मां और बहनों का रोना, छोटे बच्चों का बिल बिलाना, बेसहारा एक हिंदुस्तानियों की आह पुकार, बेबसी के आलम में बे यारो मददगार टीपू का जनाजा निकल कर जाता है। आसमान भी कब तक बर्दाश्त करेगा? आखिर आसमान के सबर का बंधन भी टूटा। तारीख ने लिखा, अभी थोड़ी देर पहले तपती हुई धूप थी, अचानक चारों तरफ से अबर घिर कर आसमान भी आंसुओं को बहाना शुरू किया। इतनी जोरदार बारिश लगी, तारीख रियासत मैसूर में ऐसी बारिश नहीं, एक एक बिजली ऐसी बरसने लगी कि बच्चे डर के मारे अपने माओं के सीनों में जाकर छपने लगे। आखिर एक बहुत बड़े मौलाना आए, टीपू के जनाजे को पढ़ाया और हजरत टीपू सुल्तान को पूरे जाहो जलाल के साथ हजरत हैदर अली के मजार के बाजू जाकर दफना दिया। हिंदुस्तान की किस्मत खराब थी, हिंदुस्तान की तकदीर खराब थी। टीपू जैसा एक मर्द मुजाहिद शहीद हो गया, वरना अगर टीपू के साथ गद्दारी ना होती तो आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत बाकी रहती। कोई ना कोई ऐसा जवानर टीपू के खून से पैदा होता और हिंदुस्तान की बागडोर संभालता। फिर भी अपने दौरे हुकूमत में टीपू ने इस रियासत कर्नाटक को बहुत संवारा, मुसलमानों को बहुत कुछ दिया, मसाजिद को बहुत कुछ दिया, मदारिस को बहुत कुछ दिया, अल्लाह वालों के मजारात को बहुत कुछ दिया, दरगाहों को बहुत कुछ दिया, ईदगाहों को बहुत कुछ दिया। लेकिन आज हमारा हाल ये है, उस एक टीपू की सीरत को संभालने की हमारे पास ताकत नहीं। उस एक टीपू जैसा आज एक काउंसलर नहीं, टीपू जैसा एक एमएलए नहीं, टीपू जैसा एक एमएलसी नहीं, टीपू जैसा एक कोई रुस्तम नहीं, सिर्फ नाम के भुक्के हैं। टीपू के नक्शे कदम पर चलने वाला एक मर्द मुजाहिद भी नहीं। अरे टीपू का क्या होगा? टीपू तो पहुंच गया अल्लाह तबारक व तआला के पास, उसे जो मिलना था वो कुछ मिल गया, लेकिन वो जो देखकर गया था ना, आज उसकी दी हुई चीजों की हिफाजत करने वाले भी आज हम बराबर नहीं रहे। टीपू के हथियारात की हिफाजत करने वाले नहीं, टीपू के तारीखी चीजों की सही तौर पर हिफाजत करने वाले नहीं। टीपू ने जो वक्फ इमलाक दिया ना, उस वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने वाले नहीं है हम, उसका मार कर खाने वाले आज भी है। मैंने हिंदुस्तान को देखा मुख्तसर और रियासत कर्नाटक का दौरा किया, हम बड़े गद्दार मेरे दोस्तों, टीपू की प्रॉपर्टी की हिफाजत कर नहीं सके हम लोग। टीपू देकर गए किसके लिए? ताकि मुस्तकबिल में आने वाले मुसलमान इससे फायदा उठाए। लेकिन हमारे कौम के रहबरों ने टीपू की दी हुई जगहों की तिजारत और सौदा करके अपने खानदान को दबड़ाया, लेकिन इस मुल्क और इस कौम की गरीबी को मिटाया नहीं, सौदा किए। टीपू सुल्तान अपने वक्त के एक वली कामिल थे, एक सेकुलर बादशाह थे। कौम का, मुल्क का, मिल्लत का दर्द था हजरत टीपू सुल्तान सईद रहमतुल्लाह अलैह के दिल में। टीपू सुल्तान को हमेशा यह फिक्र थी कि अगर अंग्रेज इस जमीन पर कब्जा कर लिया तो सबसे पहले मुसलमानों के ईमान पर, इस्लाम पर हमला करेगा। यकीनन उनका तसव्वुर भी सही साबित हुआ, अंग्रेज उतरे, मुसलमानों के ईमान और इस्लाम पर हमला किए। दोस्तों आज ये जमीन तरस रही है एक टीपू के लिए, आज ये जमीन तरस रही है एक हैदर अली के लिए, ये जमीन तरस रही है ऐसा मुत्तकी परहेजगार बादशाह के लिए। अब भी कोई बईद नहीं है हमारे दिलों
बड़े शैतान पैदा हो सकते हैं, लेकिन अफसोस मेरे दोस्तों हम में से किसी को यह जज्बा नहीं है। हम तो कर्नाटक की हुकूमत को भी यही कहते हैं, आज असेंबली तुम्हारे हाथ में है तो यह टीपू की शहादत का सदका है, आज ये कारपोरेशन की कुर्सियां तुम्हारे हाथ में है तो टीपू की शहादत का सदका है, आज तुम्हारे हाथ में हुकूमत है, एक एयरपोर्ट का नाम कितनी गद्दार हुकूमत होगी ये, कितनी बेवफा हुकूमत होगी ये, कितना ये बेवफा शहर होगा ये रियासत होगा। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखने का वक्त आया तो फिर टीपू के नाम के साथ मंसूब कर लेने वाले नहीं है। जिस शहर में टीपू पैदा हुए आज उस देवनहल्ली का हाल क्या है, जिस शहर में टीपू की हुकूमत थी उस टीपू के शहर का हाल क्या है, जहां टीपू आराम कर रहा है उस सुरंगपट्टन का हाल क्या है, गंजाम का हाल क्या है, दरिया दौलत बाग का हाल क्या है, बेंगलुरु के अंदर टीपू की दी हुई वक्फी इमलाक का हाल क्या है। हुकूमत सब पर तवज्जो देती है, उन चीजों पर अपनी तवज्जो हिटा लेती है जहां टीपू ने अपने कदम जमाए हैं। मैं यही कहता हूं आज की ताकत आपसे भी और हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, फिर से रियासत कर्नाटक की अगर तकदीर बदलना है तो टीपू के नक्शे कदम पर चलना है, टीपू की तारीख को अपना रहा है, टीपू के एहसानात को फरामोश न करना है तो फिर ये हुकूमत अपने सही रुख पर आ जाएगी। जरूरत थी मेरे दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और तारीख को, हम भी कैसे हैं, माँ के एहसानों पर फातिहा पढ़ने वाला है, बाप के एहसानों पर फातिहा पढ़ने वाला है, दादा के एहसानों पर फातिहा पढ़ने वाला है, साल साल गुजर जाते हैं कुरान का कोई हिस्सा पढ़कर टीपू सुल्तान शहीद को ईसाल करने का मौका नहीं मिलता, दो रकात नमाज पढ़कर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ईसाल करने का मौका नहीं मिलता, 10 रुपए मस्जिद को डालकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ईसाल करने का मौका नहीं मिलता। खबर में भी सोचते होंगे मैंने कैसे मुल्क और कैसी रियासत पर हुकूमत किया, वो अपने बाप दादा को तो याद रखते हैं लेकिन मेरी शहादत को अब तक याद नहीं रखा है, नहीं है, है। बहुत सारे लोगों का यह हाल है मेरे दोस्तों, ऐसे शहीदों को याद रखो, ऐसे शहीदों की शहादत को याद रखो। सीरियल पर जो आया वो बिल्कुल गलत था, हकीकत यह है जो मैंने मुख्तसर तारीख पेश की, तफसीली अगर तारीख पढ़ना है तो दो किताबों के नाम पेश कर देता हूं, सल्तनत खुदादाद एक किताब है, सीरत टीपू सुल्तान हजरत मौलाना इलिया साहब की एक किताब है, तफसील के साथ बैठकर पढ़ेंगे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर शहादत के पूरे वाकयात आप हजरात के सामने आएंगे। आज की ताकत हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम की तरफ से हजरत टीपू सुल्तान को जजाए खैर अता फरमाए, हम तमाम की तरफ से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहादत को कबूल फरमा, टीपू के एक एक कतरे का अजर अता फरमा। दोस्तों आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमसे सबको बहुत कुछ मिला है, देखिए एक नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से क्या है मस्जिद के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह खरीदा है, यकीनन ये उसकी मोहब्बत की दलील है, इतना बड़ा मजमा यहां पर बैठा हुआ है, आप भी चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के लिए जगह खरीद कर टीपू के नाम कर सकते हैं, आप भी अगर चाहे तो टीपू सुल्तान के ईसा ने सवाब के लिए मस्जिद में झोली में कैसे कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, बोलो इंशाल्लाह डालेंगे, टीपू को कुछ सवाब पहुंचाएंगे, हमारे सवाब का वो मोहताज नहीं है, हमारे ईसा का वो मोहताज नहीं है, लेकिन उसको मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है कि टीपू तुम्हारी शहादत के 200 साल गुजर गए हैं लेकिन हम आज भी तुम्हारी शहादत को नहीं भूले, अगर आज हम उसके लिए दुआ करेंगे उसके लिए ईसाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआओं में हमको भी हिस्सा मिल जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे सुनाने को भी कबूल फरमाए, आपके सुनने को भी कबूल फरमाए।